गाइस देखो अभी ये दोनों मस्ती बहुत कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। सो गाइस यहाँ पे बारिश अभी बहुत ज्यादा पड़ हो रही है, हम बहुत गीले हो रहे लेकिन बारिश में मजा आ रही है यार। गाइस ये देखो कितना ज्यादा फॉग है यहाँ पे, ओ माय गॉड। तो है गाइस आज का मौसम बहुत अच्छा है और चांदनी और अंशु मारने वाली है डुबकी स्विमिंग पूल में। तो गाइस अभी मारेंगे चांदनी और अंशु डुबकी। जल्दी मारो डुबकी, 1 2 3। तो गाइस मजा आ रहा है कि नहीं डुबकी मारने में? तो गाइस देखो अभी ये दोनों मस्ती बहुत कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। अभी हम देखो अभी स्विमिंग पूल में जंप करेंगे, उठ रहे इधर। तो अभी ये दोनों कूदने वाले हैं स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में नहाना। ओह माय गॉड। 1 2 3। तो गाइस अभी हम नहा लिए, इतनी ठंडी लग रही है ये देखो। अभी जल्दी से जाते हैं हम ऊपर और जाके चेंज करते हैं, उसके बाद में आपसे फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस अभी फाइनली मैंने ड्रेस वगैरह सब चेंज कर लिया है एंड ये है मेरा आज का आउटफिट, मतलब पूरा फाइनल लुक मैं बाद में दिखाने वाली हूँ आप सबको। एंड अभी मैं पहले तो इयररिंग्स वगैरह सब, क्योंकि फटाफट रेडी होना है और अपने नेक्स्ट ये में जाना है। और पता है ये वाला देखो जो मैंने तुलसीबाग से लिया था, आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला नेकलेस। ये देखो प्रीटी लग रहा है ना, ये बताना आप लोग कमेंट में कैसा लग रहा है। तो चलिए गाइस मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। सो गाइज अभी फाइनली हमारा विले से बाहर जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमको अभी बहुत सारे पॉइंट्स जो है महाबलेश्वर के एकदम स्पेशल एंड फेमस पॉइंट वो सारे विजिट करना है। तो यहाँ आज हम रेडी हो गए, हम दोनों ने आज ट्विनिंग किया है, थोड़ी देर में मैं आपको पूरा फुल लुक दिखाती हूँ। तो चलो विल्ला को करते हैं बाय बाय फॉर हेवन विल्ला एंड अभी हम चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट लोकेशन पे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना पूरा फुल लुक और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अभी नेक्स्ट प्लेस में जाने के लिए। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। तो गाइज अभी हम यहाँ पे आगे ब्रेकफास्ट करने के लिए और आज हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं भुर्जी पाव एंड ऑमलेट पाव। तो यहाँ पर भैया फटाफट से बना रहे हैं और जैसे ही आता है मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा होने वाला है। फाइनली हमारा यहाँ पर आ गया है भुर्जी एंड पाव। बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार, टेस्ट करते हैं। टेस्ट जबरदस्त गाइज। और अभी आने वाला है ऑमलेट पाव। तो गाइस अभी यहाँ पर भुर्जी पाव खाने के बाद में आ गया है हमारा ऑमलेट पाव। इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। इसका भी ऑसम था, ये भी एकदम ऑसम है और बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की। इट्स टी टाइम। वड़ा पाव कौन खाया? तो गाइस अभी हम आ गए हैं विल्सन पॉइंट में। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ व्यू है विल्सन पॉइंट, ये देखो इसका फोटो शूट। एंड यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। तो गाइस यहाँ पे हम करने वाले हैं अभी बहुत सारा फोटोशूट और बनाएंगे बहुत सारी रील्स। और यहाँ पर एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पूरा। इधर देख, ये देखो कितना प्यारा व्यू है। सो गाइज अभी फाइनली हम आ गए थे सनराइज पॉइंट में और यहाँ से अभी हम चलते हैं और यहाँ पे हमने बहुत सारी की फोटोग्राफी एंड रील्स वीडियो वगैरह ये सब कुछ आपको इंस्टाग्राम में देखने मिल जाएगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो वहाँ जाके फॉलो कर लें। तो चलिए गाइज यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लेट्स गो।
है और लेकिन जबरदस्त गाइज। अभी हम आ गए हैं अपने सेकंड पॉइंट यानी कि एलिफेंट पॉइंट देखने के लिए और बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है यार, एकदम लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, चल जल्दी से भागते भागते चल, ये देख नीचे में भी कैसा हो रहा है, वाह ये देखो गाइज पीछे से लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ बारिश ही हो रही है। क्या जबरदस्त व्यू यार, पूरा एकदम फॉगी फॉगी, एक नंबर व्यू, वाव। ये गाइस एलिफेंट पॉइंट। सो गाइस यहाँ पे बारिश अभी बहुत ज्यादा पड़ हो रही है, हम बहुत गीले हो रहे लेकिन बारिश में मजा आ रही है यार, फोटोशूट कर रही हूं। ये देखो गाइस, गाइस ये देखो कितना फॉगी फॉगी यार, एकदम हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और ये भी जो भी दिख रहा है देखो, बादल और पूरे धुएं धुएं, वाव क्या जबरदस्त है यार एलिफेंट पॉइंट। तो गाइस अभी हम आ गए हैं महाबलेश्वर टेम्पल, क्योंकि महाबलेश्वर टेम्पल नहीं देखे तो फिर क्या ही देखे। और यहाँ पे बारिश इतनी हो रही है कि ये तो पूरा ओढ़ के चल रही है, ठंडी भी है, ये देखो इतने टपक रहे हैं पानी लग रही है गाइस। ये देखो यहाँ के कुछ ऐसे मार्केट, ओह माय गॉड, ये देखो गाइस कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे। तो गाइज अभी फाइनली हम आ गए हैं महाबलेश्वर टेम्पल, ये है इसका, यहाँ से हम करते हैं अंदर एंटर अभी यार, चलो निकालो चप्पल। गाइज अभी इधर से करते हैं हम अंदर एंटर, तो गाइज यहाँ पे हम एकदम अच्छे से महादेव के दर्शन कर लिए हैं, अभी मंदिर से बाहर आ गए हैं और मंदिर के बाहर ऐसा कुछ व्यू है, ये देखो गाइज ऐसा है कुछ महाबलेश्वर मंदिर। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, फिर भी मैं आपको जितना हो सके उतना पूरा कैप्चर करके दिखाती हूँ, बहुत 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 ओम नमः शिवाय, श्री शिव महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइस ये देखो यहाँ पर कुआं बना हुआ है महाबलेश्वर मंदिर के अंदर, और ये 5000 साल पुराना कुआं है क्योंकि मंदिर भी काफी टाइम हो गया पुराना है। ये देखो अभी ऐसा कुछ दिखता है, मीन्स इसको अभी तो पैक कर दिए है, तो चलो अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं। और ये देखो ये है मंदिर। तो गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं गोमुख, यहाँ से हमको पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा मंदिर के बाहर, बारिश की वजह से। गाइज अभी हम आ गए हैं श्री पंचगंगा मंदिर क्षेत्र महाबलेश्वर, चलिए यहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो देखो गाइज ये है पंचगंगा पूरा, तो गाइज अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर पंचगंगा मीन्स एक गौमुख बना हुआ है, एंड जो गौ माता होती है उनके मुंह से ऐसा कंटिन्यू मीन्स पानी निकलते रहता है और सब लोग वहाँ से वो पानी पीते हैं। और बारिश बहुत बढ़ गई यार, जल्दी से गाड़ी में जाना पड़ेगा, ठंडी लग रही है, आओ ना जल्दी। तो हे गाइज अभी हम आ गए हैं फाइनली एल्फ स्टोन पॉइंट, और ये है हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट जो हम अभी देखने वाले हैं, तो इसके लिए चलो नीचे चलते हैं हम। वो ठंडी धुआं ही धुआं गाइस, ये देखो कितना ज्यादा फॉग है यहाँ पे, ओ माय गॉड। गाइस ये देखो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा फॉग है यार, यहाँ पर इतनी हवाएं चल रही है। तो यहाँ पे फॉग इतना ज्यादा है कि अभी मैं थोड़े देर उधर दौड़ती हो जाऊंगी ना तो मैं खुद यहाँ से हट जाऊंगी। हाँ साफ साफ दिख रहे हैं गाइस ये लोग। शायद ही दिख रहे होंगे, दिख भी रहेंगे धुएं धुएं।
तो गाइस अभी ये साफ साफ तो दिख रहे हैं ना, दोनों फॉग में खोदने गए। सो गाइस अभी फाइनली हम आ गए हैं मैप्रो गार्डन, जो कि महाबलेश्वर में मीन्स पंचगनी में है एग्जैक्ट। बहुत ही ज्यादा यहाँ का फेमस है और यहाँ के स्ट्रॉबेरी वगैरह या फिर चॉकलेट्स वगैरह, और ठंडी इतनी है ना लिटरली मुझे बात करने में मीन्स प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा ना, यहाँ टंग में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब मुझे अटक अटक के बात करना पड़ रहा है। और यहाँ पर बहुत ठंडी भी है, बहुत वॉइस से समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही है मेरी, क्योंकि बात करना बिल्कुल भी नहीं जम रहा है ऐसा, एकदम ना ऐसा लग रहा है स्वेटर वगैरह पहन के सो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ठंडी है, बहुत ज्यादा को ज्यादा जरूरत है। नहीं मेरे इधर इधर से ठंडी की वजह से ना पूरा वो छिल गए, तो उसके वजह से कैसा टंग मेरे बराबर काम नहीं कर, मीन अलग ही लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बात करने में ना पेन हो रहा है। और ये देखो इनका फोटोशूट शुरू हो गया है एकदम स्ट्रॉबेरी के साथ, रेड रेड स्ट्रॉबेरी, और एंट्री करते बराबर ऐसा कुछ दिखता है मैप्रो गार्डन। अभी हम इसके अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पे सारे कैफेज वगैरह हैं। इन ओनली एंट्री ये देखो, चलो हम इधर भी। तो गाइस देखो यहाँ पे सारे फ्लेवर के चॉकलेट थे, ये कौन सा फ्लेवर है ये मैंगो, ये मैंगो, ये देखो गाइस ये वाला है मैंगो फ्लेवर, ये वाला जामुन फ्लेवर, ये वाला स्ट्रॉबेरी, ये रो मैंगो, ग्वावा एंड टैमरिंड, ये देखिए पूरे चॉकलेट से भरे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी हम ट्राई कर रहे हैं चॉकलेट आलमंड डेट्स, कैसा टेस्ट कॉफी पे, कैसा टेस्ट? सो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं चॉकलेट आलमंड डेट्स, वाओ इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम है यार। और यहाँ पे इतने सारे चॉकलेट्स की दुकान है और आप सब कुछ यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं, सारे चॉकलेट्स फ्री में, मीठा नहीं पानी वाला, पानी वाला गाइस। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं पान वाली चॉकलेट, ऐसा लग रहा है कि पान खा रहे पूरा। ये देखो गाइस अभी इसके बाद हम ट्राई करने हैं वाले, तुम लोग कौन से ट्राई कर रहे हो? दोनों या फिर केसर और ग्रीन एप्पल? टेस्ट बताओ कैसा टेस्ट? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। तो गाइस सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल जैसा गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ केसर, ये ऑसम यार, तेरे तो बिना वे दिल, बहुत मजा आ रहा है गाइस ये टेस्ट करने में, वो टेस्ट करने में, आहा जबरदस्त। चलो चलो चलो, तो गाइस अभी हमने यहाँ से लिया है ये दो आलमंड वाले जो चॉकलेट्स थे उसके पैकेट्स, और एक जेली मिक्स जो रहता है अलग अलग फ्लेवर के वो वाले, और एक जाम, क्योंकि यहाँ का मैप्रो में बहुत ही ज़्यादा फेमस है चॉकलेट्स के लिए, जाम के लिए, जूस के लिए, मीन्स ऑल फ्रूट्स ऑलराउंडर। तो गाइज अभी हमारी यहाँ पे शॉपिंग हो गई और हम अभी जा रहे हैं मैप्रो गार्डन से बाहर। अरे ठंडी में पूरी जान निकल रही, और चंद्रपुर में इतनी गर्मी है, बस मुझे चंद्रपुर में आना है यार जल्दी से गर्म होने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा हो गया है। गाइज अभी हम लोग आए हैं स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे जो खेती होती है वो देखने के लिए, और यहाँ पे रुको मैं जूम करके दिखाती हूँ कितने छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी नाइट है इसलिए उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट बहुत औसम है यार। बे लो जल्दी जल्दी बियर लो, एक एक ग्लास में सब। देखो गाइस अभी स्ट्रॉबेरी से बना हुआ बियर ले रहे हैं सब, तो चांदी भर कर देने वाली है पैसे।
परफेक्ट है।